वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो है आपके डिलीट हुई फाइल फोल्डर्स के बारे में। यानी आपका अगर फाइल या फोल्डर सिस्टम से डिलीट हो जाता है तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं, और हम उसे रिकवर कर सकते हैं या नहीं इसके लिए ये लेक्चर बनाया गया है। और रिकवर होगा तो कैसे होगा, ये लेक्चर डिपेंड करता है आपके फाइल के डिलीशन के ऊपर कि आपने फाइल कैसे डिलीट किया है। वैसे तो हम ये जान लें कि हम अगर कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो चला जाता है रिसाइकल बिन में। यानी मैं कुछ फोल्डर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और उसे मैं डिलीट करता हूँ और देखता हूँ ये फोल्डर कहाँ जाता है। तो यहाँ से मैंने डिलीट किया है तो ये पूछ रहा है आर यू वॉन्ट टू मूव 5 items टू रिसाइकल बिन। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये 5 items आपके रिसाइकल बिन में चले आए हैं, और पहले से भी कुछ डिलीटेड फाइलें रिसाइकल बिन में दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपकी फाइल्स कुछ ऐसे डिलीट हो जाती हैं तो आप इनको रीस्टोर के माध्यम से आप वापस ला सकते हैं। यानी इन फाइलों पे आपको क्लिक करना है और रीस्टोर क्लिक कर देना है। यानी अगर किसी एक फाइल को क्लिक करना तो एक फाइल पे सेलेक्ट करिए, या मल्टीपल फाइल पे सेलेक्ट करके उस पर रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी फाइलें यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। तो ये पहला तरीका है हमारा रिसाइकल बिन में फाइल डिलीट करके जाने का और उसे वापस लाने का। दूसरा तरीका है फाइल को डिलीट करने का कि आप फाइल सेलेक्ट करिए और सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करिए। क्लिक करते हैं फाइल पे और फाइल उठा के रख देते हैं रिसाइकल बिन में। फिलहाल ये ओपन हो चुकी है फाइल, यहाँ पे क्लिक करना है 1 time और यहाँ पे ले जाकर रिसाइकल बिन में छोड़ देना है। तो आप जिन फाइलों को छोड़ोगे वो रिसाइकल बिन में चली जाएंगी। ये सारी फाइल आईपी टेक वगैरह सारी रिसाइकल बिन में चली गई हैं। वापस जाना है, इन फाइलों को रिस्टोर कर देना है, ये फाइलें वापस चली आई। अब मैं चाहता हूँ कि इन फाइलों को मैं डिलीट करूँ तो ये रिसाइकल बिन में ना जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो ये अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा डिलीट हो, यानी हम फाइलों को डिलीट करें तो वो रिसाइकल बिन में ना जाए, क्योंकि रिसाइकल बिन हमारे रैम पे ओपन होता है, इंटरनल मेमोरी पे होता है, इसलिए ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हमको इसे बार बार खाली करना पड़ता है। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, आप कीबोर्ड के डिलीट बटन से क्लिक करें या फिर यहाँ पे क्लिक करें, आपसे फाइल डिलीट हो ही जानी है। फिलहाल डिलीट करने से पहले आपको शिफ्ट प्रेस करना है और डिलीट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने शिफ्ट प्रेस किया है तो ये मैसेज जो है आपको बदला हुआ दिखाई देगा, और इस मैसेज में आपको दिखाई देगा कि ये पूछ रहा है आर यू वॉन्ट टू श्योर टू परमानेंट डिलीट दीज 6 items, क्या आप इन 6 items को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। यस, अब ये कोई भी फाइलें जो डिलीट हुई हैं वो रिसाइकल बिन में आपके नहीं जाएंगी। अदरवाइज मैं इसे डिलीट करता हूँ डाउनलोड नाम के एक फाइल को, तो ये जो है परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, ये रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड रिसाइकल बिन में स्टोर हो चुका है, मैं इसे रिस्टोर करता हूँ और ये डेस्कटॉप पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं कि आपको बार बार शिफ्ट दबाना पड़े, आप चाहते हैं आप डिलीट करें और फाइल रिसाइकल बिन में ना जाए, वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, यानी हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम रिसाइकल बिन को खोलेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। आप यहाँ तक कि रिसाइकल बिन पर राइट क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। तो मैंने रिसाइकल बिन ओपन किया है और प्रॉपर्टीज़ में हम चलते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डोंट मूव फाइल्स टू द रिसाइकल बिन, ठीक है, और लिखा हुआ है रिमूव फाइल्स इमिडिएटली व्हेन डिलीटेड, यानी फाइल को डिलीट कर दो जब मैं डिलीट बटन प्रेस करूं, यानी बिना शिफ्ट के ही। यहां पे आप जैसे ही डिलीट करोगे वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, वो ये भी नहीं पूछेगा, ये देखिए आप डायरेक्ट लिखेगा ये परमानेंटली डिलीट होने वाली है फाइल। आप जैसे ही यस करोगे फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी और वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा। फिलहाल ये करने से हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हो सकता है उसकी उस फाइल की ज़रूरत हमको फ्यूचर में कभी पड़े, दैट्स वाई ये ऑप्शन हम एनेबल नहीं करेंगे। तो आप रिसाइकल बिन का इस्तेमाल करिए और फाइलों को डिलीट करिए और फाइलों को रिस्टोर करिए। रिसाइकल बिन एक फोल्डर की तरह से है, हम डिलीट करते हैं तो यहाँ फाइलें जाके फिर से स्टोर हो जाती हैं, और वापस उनको लेने के लिए आप वहाँ से रिस्टोर कर लेते हैं। आप परमानेंटली डिलीशन के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, या रिसाइकल बिन की सेटिंग में जाके प्रॉपर्टीज में जाके उसकी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं।
तो आप ऐसे ही चेंज करते रहिए, हम कंप्यूटर की सेटिंग्स को आपको पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, आप हमारे लेक्चर में बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।